अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेवन्थ क्लास के इस्लामिया क्यों रिव्यू करते हैं। हमने जस्ट इसको एमसीक्यूज़ के मुताबिक देखना है और इसके अंदर जो चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इधर ही निशान लगा देती हूँ आप लोगों ने जो डिटेल में करने। अच्छा, इनमें से तो आप लोगों ने जो इन फरिश्तों के काम होंगे वो करने, बाकी ये वाले चैप्टर इतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। ये चैप्टर ये दो चार चैप्टर हो गए। अच्छा, फिर ये इनमें से भी नहीं इम्पोर्टेंट, चार चैप्टर ये हो गए जो करने हैं और इनमें से भी नहीं। अच्छा, ये वाले चार पाँच छः सात, ये सेवन चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से करने हैं, ठीक है। बाकी में से हम देख लेते हैं जो जो पॉइंट होंगे करने वाले वो कर लेने, बट ये वाले चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। मैंने अंडरलाइन कर दिया उन चैप्टर्स को, क्योंकि गज़वात में से बहुत से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो वो तो आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। अच्छा, ख़त्म मैंने बहुत का जिक्र कुरान मजीद की किस आयात में आया, इस आयात का नेम याद कर लेना। अच्छा, ये हज़रत अबू बकर सदीक के बारे में ख़त्म मैंने बहुत, जब वसल्लम की डेथ के बाद कुछ लोगों ने ना ये कहना शुरू कर दिया था कि नाउज़ बिल्ला हम खुदा हैं वो हम रसूल हैं, तो हज़रत अबू बकर सदीक ने ना उनके खिलाफ़ जहाद किया था, ठीक है, झूठा नबूवत का दावा कर दिया था। तो उनके ख़िलाफ़ जो जहाद किया था उस जंग को जंग इमामा कहते हैं। उसके अंदर जो शहीद हुए थे टोटल 1200 हुए थे, उनमें 700 कुरान के हाफिज़ थे। तो इनकी तादाद को देखते हुए कि 700 कुरान के हाफिज़ की डेथ हो गई है, तो हज़रत अबू बकर सदीक ने कहा कि कुरान को लिखना शुरू कर दो। तो लिखना आपसे वो हज़रत अबू बकर सदीक के दौर में शुरू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैंने यही बोला था कि जो फरिश्तों का होगा वो फरिश्तों का आप लोगों ने काम याद कर लेना। अब इन सारे फरिश्तों का आप लोगों ने काम अच्छे से याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसको रीड कर लेना। ये सारे फरिश्ते आसमानी किताबें भी, ये चार आसमानी किताबें, इनके नेम और किस नबी पर नाजिल हुई ये याद कर लेना। बाकी देखें कि इसमें कुछ और याद करने वाला ही नहीं है। फरिश्तों में फरिश्तों के काम, आसमानी किताबों में उनके काम। अच्छा, ये वाला चैप्टर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला चैप्टर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से ना ये सारी नमाज़ें जो किस टाइम पढ़ी जाती हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है ये दोनों नमाज़ें हैं, चाँद के और सूरज ग्रहण के दरमियान हो तो कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है, ठीक है। और बाकी ईसाई नमाजें जो भी हैं इनको आप लोगों ने रीड कर लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ऊपर वाली दो हैं, वो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं पीपीएससी के खास तौर पे। ये तो सेवन्थ क्लास है, सेवन्थ क्लास में जो ये अब न्यू एडिशन आया है तो ये वो है पंजाब टेक्स्ट बुक, तो वो तो अच्छे से आप लोगों ने कर लेना। अच्छा, ये चैप्टर इनके ये जो कबाइल हैं, ये तीनों के तीनों कबाइल आप लोगों ने रीड कर लेने। देखें एक ही पेज है, ज़्यादा पेज भी नहीं है, तो इन तीनों कबीलों को याद कर लेना कि इनके काम क्या थे, इनके सरदार कौन कौन थे। जस्ट वो अब जो याद करने वाला चैप्टर है जो गज़वा है खंदक, टोटली इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरे का पूरा। इसमें ये नहीं है कि अंडरलाइन कर दें, जस्ट जो बार बार पूछा जाता है एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि खंदक खोदने का किसने कहा था, सलमान फारसी ने, कितनी लंबी थी कितनी चौड़ी थी, और ये सारी इसमें डिटेल लिखी हुई है, तो आप लोगों ने ये अच्छे से याद कर लेना पूरा चैप्टर। ये वाला भी पूरा चैप्टर कर लेना, ओके, विद डिटेल में करना। सुलह हुदैबिया भी पूरा चैप्टर करना। दो तीन चैप्टर है ना, सारा टोटल सेवन चैप्टर बने थे जो आप लोगों ने पूरे से करने, ये वाला भी पूरा खुद रीड करना अच्छे से। अच्छा, ये वाला चैप्टर ना भी करें। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला चैप्टर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ना भी करें। दो चैप्टर ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट गुजरे हैं जो आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं, ये भी नहीं इतना इम्पोर्टेंट। अच्छा,
अच्छा इसमें से भी देख लेते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ तो वो अंडरलाइन कर लेंगे। वो बट इसमें से भी नहीं, ये वाला भी अगर देखना तो आप लोग कर लेना, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला भी नहीं, नेक्स्ट आएंगे एक दो चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने अच्छे से करना है। ये वाला भी जस्ट आप लोग देखना है तो देख लेना, बस कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं जो मैं अंडरलाइन करूं अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज। इसमें भी नहीं है एमसीक्यूज के मुताबिक। अच्छा इसमें भी इतना इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट नहीं है जो करना है आप लोगों ने, बट हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें से ये देखने के क्या पूछा हुआ है कि रियाकारी का मतलब क्या, ठीक है। और इतना इसमें कुछ एमसीक्यूज के मुताबिक इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है चैप्टर ये। इसमें से ये भी एमसीक्यूज के मुताबिक इम्पोर्टेंट नहीं है चैप्टर। इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे वो इम्पोर्टेंट है, एक दो चैप्टर्स इसके अंदर लास्ट में, वो अच्छे से कर लेने हैं। ये वाला चैप्टर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज के मुताबिक। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। ये चैप्टर भी इतना एमसीक्यूज के मुताबिक इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चैप्टर एमसीक्यूज के मुताबिक इम्पोर्टेंट होगा वो मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, और चैप्टर का भी बता देती हूँ कि ये आप लोगों ने चैप्टर पूरा रीड करना है। अच्छा इसमें से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसमें से आप लोगों ने सारे करने, ज़ैनब, उम्मे सलमा, कुलसुम, फातिमा, सारी करनी, ये सारी रीड कर लेना है आप लोगों ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको रीड कर लें। ये वाला चैप्टर भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ये वाला चैप्टर भी आप लोगों ने कंप्लीट करना। ये तीसरा चैप्टर हो गया जो आप लोगों ने कंप्लीट करना। ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करना, क्योंकि इसके अंदर अंडरलाइन तो नहीं कर सकते ना, सारे के सारे सहाबा कराम इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इनको एक बार रीड कर लेंगे तो आप लोग की अच्छी, एक तो जनरल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आप लोगों को ऐसे नहीं होगा नहीं कि हमने कहीं रीड नहीं किया, तो रीड किया हुआ होगा तो आप लोग ये अच्छे से कर लेंगे। अच्छा ये वाला चैप्टर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज। ये पूरे के पूरा टॉपिक रीड करने हैं आप लोगों ने, इनमें से कुछ भी एमसीक्यूज पूछा जा सकते हैं इसमें से भी, इस चैप्टर में से भी। फिर हाँ ये एमसीक्यूज देख के फिर ये लगता है ये पता नहीं किधर से बना है, ये देखने के ये जो न्यू इस्लामियात की बुक है ये ना चेंज हो गई, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से करें। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टोटल 7 चैप्टर हैं जो एमसीक्यूज के मुताबिक इम्पोर्टेंट है, तो वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेने। और ये वो एमसीक्यूज हैं जो ओल्ड पेपर में पूछे गए हैं इस्लामियत के एजुकेटर के, जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था। तो आप लोगों को एक तो आप लोग ये बुक रीड कर लें, दूसरा आप लोगों को जहाँ से भी एमसीक्यूज मिलते हैं वो अच्छे से रीड कर लें, ठीक है।
ये ऐसे MCQs हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लाज़मी नहीं है कि मतलब जो एजुकेटर्स की जॉब्स हैं, PPSC का किसी भी किस्म का एग्ज़ाम हो उसमें ये पूछे जाते हैं।